सहारनपुर थाना मंडी प्रांगण में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के आदेश अनुसार जिले भर में शांति समिति की मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 माहे रमजान होली के पावन अवसर पर पुलिस का शांति समिति अभियान जारी। मीटिंग के दौरान पार्षद दल के मुखिया मंसूर बदर ने थाना मंडी प्रभारी पीयूष दीक्षित व उनकी पुलिस टीम का किया स्वागत। लोग जो उपस्थित हैं, हमारे पार्षद साथी, हमारे जिम्मेदार लोग, समाज की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन की नहीं है। अगर समाज का हर एक नारे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं, कोतवाल साहब हम अपनी साइड से पूरा आश्वासन करते हैं आपको के चुके हैं। अब्दुल खाली साहब, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करें। हाजी नूर आलम साहब, भाई ताली को बजा दीजिए, कोई उसमें कंफ्यूजन हो। आज मीटिंग के सदर हमारे थाना अध्यक्ष साहब और मैं इनका बड़े के मैं थाने में आया तो जब आया तो कोतवाल साहब नहीं मिले और जो मंच पर बैठे सब साथी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां जहां से भी हम जिन चार लोगों के नाम मेरे पास अब तक सामने आए हैं वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखे हैं। मैं उनसे वादा कर चुका हूं कि मैं उनका नाम सचिन मिचेट साहब के यहां से वापस कराऊंगा। दूसरी बात, अगर वो कागज ज्यादा आगे बढ़ गया, नाम नहीं वापस हुआ, तो उस शख्स का के लिए वकील करना और वहां जो खर्च होगा वो संबंधित दरोगा देगा जो 116 में उसका नाम भेजेगा। और अगर उस दरोगा का ट्रांसफर हो गया या वो ज्यादा नालायक निकला तो बताओ कोतवाल प्रभारी निरीक्षक, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति का मैं 1 रुपया नहीं खर्चा होने दूंगा। अब आप कंटिन्यू करें। और चौथा, मैंने एक मीटिंग में इन लोगों से एक बात और कही है कि यदि मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे किसी सब इंस्पेक्टर के द्वारा किसी बेगुनाह का नाम जानबूझकर अपने निजी लालच या स्वार्थ की वजह से किया गया है और ये बात आपके लोगों के द्वारा किसी एक के द्वारा या मेरे सूत्रों के द्वारा मुझे खबर पता चली तो मैंने उसको भरी मीटिंग में थाने में 3 बार अलग अलग मीटिंग ले चुका हूं, 2 बार अंदर, 1 बार खड़े होके बाहर। तो मैंने कहा कि यकीन जानिए कि आप जहां के जिस मूल जनपद के जिस गांव के रहने वाले हैं, मैं उस इंस्पेक्टर से बात करके आपके पिता की और भाई की 116 जरूर करवाऊंगा। देखिए